तो गाइस देखो सांप, तो कितना मोटा सांप है, भगवान काला है एकदम। ये खराब है क्या गाड़ी? बहुत मेहनत है चावल खाने में, ठीक चावल ऐसे ही नहीं मिल जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो गाइस अभी बज रहा है 8, तो गाइस अभी सुबह सुबह हम लोगों ने कटिया कतरी है, मैं और मेरी अम्मा ने। ये देखो इतनी, मैं आप लोग को दिखाऊं अपनी लहसुन लगाए थे जो हमने, कितनी बड़ी बड़ी हुई धनिया पलकी, तो आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये है लहसुन, ये एक बार हम लोगों ने इसको निरा दिया है, इसका चारा निकाल दिया। एक ये है, इतनी बड़ी बड़ी हुई लहसुन, और ये देखो गाइस धनिया, और इस पे है मूली है और पालक, और गाइस ये भी है धनिया और ये पालक, और उधर गाइस बहुत ज्यादा घास है, तो वो है प्याज की ब्याड़। तो देखो इतनी है, बहुत अच्छी उगी थी बट वो पता नहीं क्या हो गया कि थोड़ी थोड़ी बची है। ये देखो उस वाली में बस अच्छी है, मेरी अम्मा ने यहाँ पे भी डाली है नई ब्याड़, तो अभी देखो कैसे मिलती है। हाँ, तो गाइस हो गया, और गाइस दिखाते हैं कल के दिन हम लोग का धान कट गया है, तो कुछ अभी खेत में पड़ा है और कुछ हम लोग रात में ले आए, मतलब कितना अभी दिखाते हैं आपको, कितना घर में ले आए हैं और कितना खेत में पड़ा है। तो खेत में जाएंगे और अभी उसको धान को पछा रहे हैं, क्योंकि पछाड़ने के लिए पड़ा है, अभी कुछ काटने के लिए बचा है, तो अभी आप लोग बने रहना मेरे ब्लॉग में। तो गाइस ये है धान, देखो कैसे पड़ा है, ये है हम लोगों का, कुछ ये बोरी में रखा है, और देखो दिखाते हैं, ये पूरा एक ट्राली में भरा है, ये हमारे भैया का है, ये देखो। और अभी हम लोग का कुछ खेत में बचा है, तो अभी जाएंगे तो वहीं पे अपनी सुखाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं खेत, और ये है मेरी बड़ी दीदी, ये आई थी, तो इनको अभी हम लेके जा रहे हैं कि चलो पहले हमारा काम करवा फिर जाना अपने ससुराल। ये आती है तुरंत चली, आज ही आई थी, और आज ही हम लोग इनको लेके जा रहे हैं अपने खेत, ताकि हमारा धान पछराएंगी, थोड़ा सा बचा है तुमने कहा पछरा दो फिर चली जाना। और देखो ये मेरी दीदी, इसको बड़ा जाड़ लग रही थी दोपहर में, और मेरी अम्मा और बड़ी बुआ आई है, तो वो पीछे आ रही है चल के। और पता है ये किस लिए है, जो अम्मा और बुआ के बैठने के लिए, बैठे बैठे पछाड़ेंगी और हम लोग। तो गाइस मेरा पार्सल आ गया था, ये देखो, तो ये मैंने रास्ते में ही ले लिया है, तो अभी चलते हैं, इसको मैं खेत में दिखाऊंगी खोल के कि क्या मैंने ऑर्डर करा था और कैसा आया। वैसे अच्छा तो आना चाहिए, उस पर तो अच्छा दिख रहा था, पर देखते हैं कि कैसा आता है, मैंने मीशो से ऑर्डर किया, चलिए दिखाएंगे आप हमारे खेत काफी। ये कहो ना, ये काम को जानते हैं। तो गाइस हमारे खेत अभी काफी दूर है, चलिए चलते हैं। ये टोपी गांव में लागी है ना दीदी, क्या होगा भैया, खराब हो गई क्या गाड़ी? कोई बात नहीं, हमारी स्कूटी है इतना हो जाती। वो उसमें हम लोग को धक्का लगाना पड़ता है जब देखो देख, टोपी सही है भैया, गांव में लागत। तो गाइस हम लोग आ गए अपने खेत, और ये देखो हम लोग इतना पछाड़ना है, इतना बस इतना ही है, और ये हमने मशीन से ही कटाया था, देखो आपको दिखाता हूँ, इस खेत का मशीन से कटा है, और वो तो भैया का खेत है वो भी कटा है, राम भोग गया है, यमा है राम भोग, ये इतना नहीं करा। तो गाइस इतना है हम लोग का, कभी खोल दो आधी दीदी खोल दे, उतने में था राम भोग, आधा बीघा था, और अभी इतना बचा है, इतना हम लोग को काटना है, इतना मशीन से कटा लो ना बहुत ही आसान है, पर गिर गिर है गिर गिर। तो गाइस ये है राम भोग, आधे बीघा में इतना हुआ हम लोग का, ये देखो ऐसा काला काला सा है, कहते हैं खाने में बहुत अच्छा होता है देखने में, तो ये तो खेतों में लक्ष्मी का आया पार्सल, चलो मैं इसे खोल, रुक जा मीशो से आया, बस भाने में जा पार्सल तक नहीं खोले कर दी थी मेरी, मैं अपना पार्सल डिब्बे में आना चाहिए था ना। आ गुरी गुरी गाइस, आ गई वो घड़ी जिसकी जिसको देखने के लिए मेरी धड़कने और आपकी धड़कने तेज हो रही थी, थोड़ा देखा टूटा कहाँ, वो ऐसा है ही है अच्छा है, रानी जी का हार आया, और इसको पहन के मैं रानी लगूंगी एक दिन। अभी है फिलहाल मेरे पास आर्टिफिशियल, एक दिन चाह तो सोने का भी आ सकता है मेरे पास, अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे तो। इयररिंग है ये देखो, अच्छा और बहुत ही सस्ता है, लोग इसको महंगा मत समझ लेना, ठीक है गाइस चलते हैं, ये लोग हमको जी मतलब देखने नहीं देंगे जी भर के, तो हम लोग जा रहे पहले पछरा लें। गाइस मैं पछाने जा रही हूं धान, ये सीएम का धान ले हर दिन टाल दो, ये धान ले हुआ घिस पे आओ पछरा ले जाए, तुम्हें आवे जी भाई की पानी रख, एक आ बजा है और कहां रखा है पार्सल की बिटिया, क्या अबे लगा का है ना, ये हां हां। तो गाइस बहुत मेहनत है चावल खाने में, ठीक चावल ऐसे ही नहीं मिल जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है चावल के लिए। तो गाइस देखो हम लोगों ने इतना पछाड़ चुके हैं, तो आती हूँ ये देखो इतना पैरा हुआ,
और ये देखो पता है कितना बचा है अभी, इतना और इतना बचा है। और मेरी हालत हो गई है खराब, पछाड़ पछाड़ कितने में दीदी आ रही है। यहाँ पे अब गाना सीख रही है दीदी अपनी शादी के लिए। गाओ गाओ। तो गाइस यहाँ और ये धान की पछराई, ये देखो मैंने इतना सारा पछाड़ा है, तो अब मैं थोड़ा सा करूंगी रेस्ट और ये लोग पछाड़े। जा दीदी कह रही है मैं जा रही हूँ, अब ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दीदी जा रही है, 2 बजे का जा गई। तो गाइस देखो सांप, तो कितना मोटा सांप है, भगवान काला है एकदम। देखो कुत्ता बड़ा, जल्दी से जल्दी से। मैं इधर पछाड़ रही थी, ठीक अगर वो इधर आ जाता तो मेरा पता नहीं क्या होता। बताऊ इतना मोटा एकदम, तो करिया राम चली। मेरे हाथ पर अभी अंदर कांप थी एकदम, मेरा दिल धक धक हो रहा है सांप को देख के। और मैं नहीं पछाड़ूंगी, ठीक है भाई, मेरी दीदी पछाड़ेगी। हो चुका, यही तुम्हारे पीछे से गया था, मैंने देखा था। मैं नहीं देखा था, पकड़ ली, पकड़ ली दिया बड़ी सफेदी सफेद रखा था, तो कहीं डर लगे देखे। सही बात है, अब भाई सांप बोड़ बाबा भोले बाबा जय भाग फिर ना जो भोले बाबा भोले बाबा वही साइड आया। बहुत सुनते हैं भोलेनाथ जी, इसीलिए बुआ आप भोलेनाथ जी घर ही रखना अपने सांप को भाई। तो गाइस हम लोगों ने धान पछाड़ लिया है जितना था, देखो आपको दिखाते हैं। ये देखो वहाँ रखा था ना, पूरा खत्म हो गया। ये इतना पैरा है, ये पैरा मतलब प्यार, हमारे तो यही बोलते हैं, आप क्या जो भी बोलते हैं। और बुआ इसको पछाड़िए, ये भैंस के लिए लेके जाएंगे, हरा हरा सा ये धान पैरा, इसको सहायदा बोलते हैं, तो ये लेके जाएंगे। और गाइस सांप जी भी चले गए, अब दर्शन नहीं हुए उनके, अब होने भी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं मुझे बहुत डर। लेकिन एक बात है, खेतों में आओ तो और इनके कभी भी दर्शन हो जाए, अभी भी अधिकतर। और गाइस जा रहे हैं अब धान मुंदवा लेते हैं, मेरी अम्मा जा रही है मुंदने और जा रहे हैं, क्योंकि देखो अब सूरज जी जाने वाले हैं, डूबने वाले हैं, तो अब जाके हम लोग ये काम वाम कर लेते हैं और हम लोग भी जाते हैं घर, क्योंकि घर में है पापा और पापा की ये तबीयत खराब, तो अब वो भी देखो उनको भी अब जल्दी खाना वाना बनाना पड़ेगा। तो ये इसको मैंने फैला दिया था ताकि ये थोड़ा सूख जाए, गीला गीला सा हो जाता है ना, तो इसको समेट देते हैं और ढक देंगे। और मेरी हालत खराब हो गई है गाइस, बहुत ज्यादा कैसा हो गया, मेरा रूप बन गया है। और सभी लोग पछाड़ अपने अपने खेतों में, देखो दिखाते हैं उधर और उधर, ये देखो ये देखो, सभी लोग अपने अपने खेतों में हैं। आजकल सही रहते हैं, सब लोग अपने अपने खेतों में देखने को मिल जाते हैं। और इधर भी है, इधर ये लोग वो लगा रहे हैं कतराने के लिए धान। हाँ तो दोस्तों छोटी मेरी कितना काम करती है देखो, पछोरा फिर उसके बाद समेटा, अब बेचारी धान को ढक रही है, तभी तो चावल खाने को मिलेगा। वैसे मेरी छोटी कम चावल खाती है, चिड़ैया वर्गी तो है बेचारी, थोड़ा थोड़ा चुन चुन खाती है। छोटी ढक गई है पैरा ना, देख लो चोर बढ़िया चोरी ना करी है, तनिक ढकी। अब होशियार है वहाँ बिटिया, है ना बिटिया, बस कुछ दिन उसके बाद सब कट वट जाएगा, बस प्याज लगाने को रह जाएगी, फिर प्याज निराना बोआना सब। कहीं भी जाती ना तो मुझे वो नाग जी की याद आ जाती है। हे भगवान, वो चले गए अपने घर में, दई दे हैं तो दई दे हैं, फिर डरो नहीं मैं हूँ ना। हाँ, वो आ जाएगा, चला जाएगा, लो तो मैं तो भागती नहीं जाऊंगी। लो लो लो, गाइस अब जा रहे हैं घर। आप देखो सूरज जी भी डूब चुके हैं, वो जा चुके हैं। और ये रोड यार, जहाँ जहाँ हम लोग का बसेरा रहता है वहाँ वहाँ की रोड बहुत ही खराब रहती है। दीदी हंसी गोरू जा, हंसी लटका मुहे मारती है का। बस जा रहे हैं अब हम लोग। और मेरी दीदी अमरूद ले आई थी, तो हम खा ले लीजिए, आप लोग भी खा लीजिए, भूख भी लगाई थी। हम लोग आ गए थे 1 बजे, आ गए हम लोग जा रहे हैं घर, मिलते हैं आप लोग को घर में। गाइस हम लोग आ गए थे घर और सब लोग सो गए, अब खाना वाना खा के अब हम भी जा रहे हैं सोने की, बहुत थकी लगी है। अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।